प्रदेश ललितपुर में आज घंटाघर चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कांग्रेस के राहुल गांधी का पुतला फूंका, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार का विरोध देखने को मिल रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अर्णब पर फर्जी मुकदमे लिखवाकर उसे गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कांग्रेस के राहुल गांधी का पुतला फूंका और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान कार्यकर्ता कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की मनमानी नहीं चलेगी। चौराहे पर उद्धव सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन लोगों का पुतला फूंका है। इन लोगों ने रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर अर्णब जी को बिना किसी गुनाह में अंदर कर दिया है जेल के अंदर। एक लगातार लोकतंत्र की हत्या है। ललितपुर से अशोक सेन की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय, निर्धन, दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।